हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत से हो गए। तो आज भी मेरे पास बहुत सारी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड गेमिंग कम्युनिटी की न्यूज है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। एंड यस, अगर न्यू है और चैनल पे तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो यार, बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। तो बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो क्या ट्रिगर्ड इंसान बहुत ही जल्दी कोलैब करने वाले हैं टोनी कक्कर के साथ में? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो बताता हूं। तो ट्रिगर्ड इंसान ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली एंड वो लिखते हैं, जस्ट रिकॉर्डेड प्रॉबली द बिगेस्ट वीडियो आई हैव एवर डन, नेवर इन माय माइंड वाइल्डेस्ट ड्रीम्स डिड आई थिंक दिस वाज गोइंग टू बी हैपन दिस Saturday, you guys are ready. And also वो एक वीडियो क्लिप भी लगाते हैं, देखो तुम लोग इस वीडियो को। एंड बाकी इस वाली वीडियो क्लिप को यार देख के मेरे को 100% यही लग रहा है कि वो टोनी कक्कर के साथ में और उनका कोलैब आने वाला है। बाकी तुम्हारा क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ऑल्सो इसी चीज से रिलेटेड ट्रिगर्ड इंसान एक ट्वीट भी करते हैं, वो लिखते हैं, आई डोंट हाइप माई वीडियोज दैट मच, बट ये अगली वाली में जो हुआ है वो काफी अनबिलीवेबल सा है, बिगेस्ट एंड द क्रेजीएस्ट कोलैब ऑफ माई चैनल। एंड ऑल्सो रचित्रू को भी वो टोनी कक्कर ही लगते हैं, वो भी इनका रिप्लाई करते हैं। तो बाकी तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे साइड से भाई आंसर टोनी कक्कर ही होने वाला है। सो यार, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड बात कर लेते हैं पीजे एक्सप्लेन के। अब ये वाली न्यूज़ देखो कोई माइनक्राफ्ट कम्युनिटी या गेमिंग कम्युनिटी के रिलेटेड तो नहीं है, बट पीजे एक्सप्लेन का मैं काफी बड़ा फैन हूं एंड ऑल्सो मैं मूवीज का भी काफी बड़ा फैन हूं, तो सोचा इस वाली न्यूज़ को कवर कर लेता हूं। तो होता क्या है कि पीजे एक्सप्लेन ने आज ही एक वीडियो अपलोड करी जिसका टाइटल था व्हाट हैपेंड। एंड ऑल्सो वो इस वीडियो में ये बताते हैं कि जो भी उनको नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आते हैं जो भी मूवीज के ऊपर में वो बात करते हैं, लाइक तुम्हें पता होगा कि ये रिव्यू वगैरह देते हैं मूवीज की, मूवी अच्छी होती है तो अच्छी बताते हैं, बुरे पार्ट को बुरा बताते हैं, जो कि जाहिर सी बात है एक अच्छे रिव्यूअर को एंड ऑल्सो एक अच्छे क्रिटिक को यही करना चाहिए। तो कुछ लोगों को यार ये चीज पसंद नहीं आती जब भी उनके कोई एक्टर या फिर फेवरेट एक्टर के बारे में बोल दो तो वो जो बुरा मान जाते हैं। तो पीजे एक्सप्लेन इसी वाली चीज के बारे में यार बात करते हैं। सुनो तुम लोग उनके वीडियो से, मैं एक छोटा सा क्लिप तुम्हें सुना देता हूं। पर खैर, फिर भी थिंग्स समटाइम्स गेट आउट ऑफ हैंड्स, लेकिन फिर भी मैं किसी भी बहस का हिस्सा तब तक नहीं बनना चाहूंगा जब तक मेरे शब्दों को रिफ्रेश करके प्रेजेंट किया जाता रहेगा। मैं कभी भी किसी चीज को लेकर ब्लैक एंड व्हाइट के नजर से देख ही नहीं पाता एंड आई थिंक यही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड होने की तरफ से सोचता हूं, कि मैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि यू शुड पिक अ साइड, और अगर तुमने कोई साइड ले ली, अगर तुम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हो तो तुम उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकते, तुम अपने दिमाग में कोई अलग थॉट नहीं रख सकते, इवन कंसीडर भी नहीं कर सकते। एंड आई थिंक कि पीपल वहीं जगह पे मिस्टेक कर जाते हैं, जो कि मेरी ही गलती है कि मैं बेहतर तरीके से समझा नहीं पाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जिंदगी सिर्फ अच्छे या बुरे में ही खत्म नहीं हो जाती, मैं किसी चीज को एंजॉय करता हूं ये मानते हुए कि हां उसमें कमियां हैं। एंड अगर कोई बंदा मेरे पर्सपेक्टिव को हेल्दीली चैलेंज करता है तो मैं उसकी बातें जरूर सुनूंगा, इसीलिए मैं तुम सबसे पूछता हूं ना कि तुम्हारे ओपिनियंस क्या है। ऑब्वियसली भाई, बड़ी पिक्चरों की बस होती है तो उनकी कमियों के ऊपर बात करेंगे, एंड अगर जिनके ऊपर बस नहीं होती है तो भाई उनके ऊपर ना बात करते हुए अपन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है बिल्स भी पे करने हैं। या बाकी तुम्हें पीजे एक्सप्लेन की अगर ये वाली वीडियो को फुल वॉच करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना एंड देख भी लेना। सो या बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एंड बात कर लेते हैं रचित्रू के बारे में। तो जैसा कि अभी तुम्हें पता ही होगा कि रचित्रू ने अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड करी थी वो वीडियो यार अभी ट्रेंडिंग पेज पे थी, मतलब वो एक स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगाते हैं। एंड बाकी यार वो ट्रेंडिंग पेज के ऊपर में काफी ज्यादा गुस्सा भी रहते हैं, देखो तुम लोगों ने क्या कुछ कहा। हेलो एवरीवन, तो मैंने फाइनली 7-8 दिनों के बाद एक और नई वीडियो डाल दी है, मेरे को बहुत दिन लगे, 8 दिन लगे नई वीडियो में, बट ये ट्रेंडिंग पे है, तुम लोग देख सकते हो। तो #20ontrending है, गो वॉच अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। तो अभी ना मैंने जस्ट चेक करने के लिए ना ये ट्रेंडिंग पेज पे क्लिक किया एंड ब्रो मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई ये क्या हो रखा है। तुम लोग देख सकते हो भाई कैसी वीडियोस डली है ट्रेंडिंग पे, सिर्फ एक दो वीडियोस हैं जो कि क्रिएटर्स की हैं, बाकी सब कंपनी की वीडियोस डली हैं ये ट्रेंडिंग पेज पे, क्रिएटर्स की वीडियो तो है ही नहीं, और बहुत अजीब अजीब सी वीडियो दिख रही है भाई मेरे को। सो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एंड बात कर लेते हैं एंड्रयू बी के बारे में। तो एंड्रयू बी ने यार आज एक रिएक्शन वीडियो को अपलोड करा था जिस वीडियो पे यार वो रिएक्ट कर रहे थे फनीएस्ट स्कूल लाइफ के मोमेंट्स के एंड आल्सो ओमेगल मीम्स के ऊपर में। तो उसी वीडियो के यार पिन कमेंट सेक्शन में उन्होंने कुछ लिखा एंड वो कहते हैं, ओमेगल किया जाए क्या? तो हो सकता है कि एंड्रयू बी के साइड से हमें ओमेगल वीडियोस भी काफी जल्दी देखने को मिले। बाकी तुम्हारा क्या कुछ कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यार बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो बात करते हैं गेमर फीड के बारे में। तो जैसा कि अभी तुम्हें पता होगा कि जब गेमर फीड गए थे वैलोरेंट के कैरेक्टर लॉन्च वाले इवेंट में, तो वहां पर यार वो तन्मय भट्ट से मिले थे। एंड आल्सो तन्मय भट्ट ने यार उसी चीज का व्लॉग भी बनाया है जो कि उन्होंने अपने चैनल पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, जाके देख भी सकते हो। एंड बाकी गेमर फ्रेंड रिएक्ट भी करते हैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में एंड वो कहते हैं तन्मय भाई का नया व्लॉग आ गया है, देख लो सारे। यहां पर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं एलन मस्क के बारे में। तो एलन मस्क यार आजकल काफी ज्यादा सेवेज हो चुके हैं एंड तुम्हें पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले एलन मस्क जो है वो निकाल रहे थे अपनी कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉयज को, उन्होंने सीईओ को निकाल दिया, सीएफओ को निकाल दिया एंड बहुत सारे एम्प्लॉयज को भी ट्विटर कंपनी से निकाल दिया।
दिया, फायर कर दिया। एंड उसी में से यार, मतलब उन निकाले वाले बंदों में से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बंदे थे जिन्होंने यार मीडिया के साथ में बहुत गंदा वाला प्रैंक कर दिया। एंड वो जा के जगह पे ये बोल रहे थे कि हमें ही निकाला है एलन मस्क ने। एंड उन बंदों को निकाला नहीं गया था, वो असल में सिर्फ प्रैंक कर रहे थे मीडिया के साथ में। तो उन्हीं प्रैंक करने वाले यार बंदों के साथ में एलन मस्क ने एक फोटो डाला ट्विटर के ऊपर, एंड वो कहते हैं वेलकमिंग बैक लिग्मा एंड जॉनसन। एंड ऑल्सो वो एक और भी ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं इंपॉर्टेंट टू एडमिट व्हेन आई एम रॉन्ग एंड फायरिंग Then to was really one of my biggest mistake. मतलब क्या भाई savageness की हद होती है। And also ये जो है वो सिर्फ एक prank था, तो वो भी सिर्फ मजाक में ही कर रहे थे tweet. And बाकी यार उन्होंने उस prankster के साथ में photo भी डाली है, मतलब भाई क्रेजी थिंग है ये तो। सो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं मैक्सटर्न के बारे में। तो मैक्सटर्न अपने यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड कुछ अपने ओपिनियंस को देते हुए एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं 10 out of 6 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब शॉर्ट्स रिकमेंडेशन इज ऑल अबाउट एंड्रयू टेट। एंड अगर तुम्हें नहीं पता एंड्रयू टेट कौन है तो भाई तुम्हें अर्थ पर रहना ही मना है। मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा है ये, अगर तुम्हें नहीं पता तो जाकर इंटरनेट पर सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। एंड रिसेंटली काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा था। एंड यार बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो बात कर लेते हैं रचित्रू के बारे में। तो रचित्रू यार अपने कुछ ओपिनियन को शेयर करते हैं कुछ क्रिएटर के साथ में, एंड ऑल्सो वो यार वो कुछ क्रिएटर के साथ में मिलकर काम भी करना चाहते हैं, जिसमें वो एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं आई वांट टू मेक अ क्रिएटर्स ग्रुप फॉर माय अपकमिंग वीडियोस, व्हिच क्रिएटर शुड आई टेक इन, ऑल्सो इफ आई एम एनी क्रिएटर इन इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग माय ग्रुप इट्स योर टर्न। एंड इसके ऊपर मैं यार मैक्सटर्न एंड ऑल्सो नियॉन मैन भी रिएक्ट करते हैं। एंड वो नियॉन मैन तो बोलते हैं ओनली $8 पर मंथ, मतलब वो पैसे से। एंड ऑल्सो मैक्सटर्न जो है वो फ्री में ही आ जाएंगे, सही है भाई। बाकी तुम्हें क्या क्या लगता है कि रचित्रू की इस वाली टीम को कौन कौन ज्वाइन करेगा। एंड या बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं एल्बिडो ओपी के बारे में। तो एल्बिडो ओपी ने आज से कुछ एक महीने पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें यार वो GTA के कुछ अल्टरनेटिव गेम को खेल रहे थे मोबाइल में। तो उस वीडियो पे 1 million व्यूज कंप्लीट हो गए। एंड ऑल्सो वो रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज हैज रीच्ड 1 million व्यू, दिस वीडियो इज very special to me because after this video my passion to make absolute best content I can make has come back. And also वो बोलते हैं part 2 भी इसका आने वाला है बहुत ही जल्दी, बाकी तुम excited हो या नहीं comment section में मेरे को जरूर बताना। And yeah बढ़ते हैं next news की तरफ, तो बात कर लेते हैं good time with Scar के बारे में। तुम्हें पता होगा यार काफी ज्यादा एक popular Minecraft के यूट्यूबर हैं। And also वो charity stream करते हैं अपने Hermicraft community के साथ में मिलके। तो उन्होंने यार एक फिर से donation किया है $4,40,000 का, वो भी सिर्फ 4 घंटों में उन्होंने raise किया है। तो काफी बड़ा वाला कॉन्गो उनको मेरे तरफ से। एंड या बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं बिक्सू के बारे में। तो बिक्सू ने भी यार जो भी न्यू वीडियो डाली थी वो वीडियो भी ट्रेंडिंग पे है, जो कि था #24 ऑन ट्रेंडिंग। एंड ऑल्सो वो रिएक्ट भी करते हैं, तुम लोग देख ही पा रहे होगे। एंड या बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं टैडी गेमिंग के बारे में। तो टैडी गेमिंग का टैडी SMP का 18th एपिसोड आ चुका है, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड ऑल्सो रिसिबल ट्विंस का काफी ज्यादा टाइम के बाद में एक न्यू वीडियो भी आ चुकी है, तो उनकी भी वीडियो यार जाके तुम लोग देख पाओगे, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। तो बस अभी के लिए इतनी न्यूज टेडा की, जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड यस तुम्हारे पास कुछ भी अगर Minecraft कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज वगैरह आती है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे सबमिट कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें यार डेफिनेटली क्रेडिट्स भी दे दूंगा। एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।